हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए स्पेरिकल ट्रिकोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी इस पेपर का लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेरिकल ट्रायंगल एंड पोलर ट्रायंगल के बारे में, जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए 2015, 16 एंड 18 में आया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेरिकल ट्रायंगल क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम लिखेंगे बाई फिगर एंड उसके बाद हम समझाएंगे। तो देखिए द फिगर मेड बाय द लाइन्स ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट क्या है? ए बी सी बाय द आर्क। यहाँ पे आर्क क्या है? ए टू बी विद द आर्क। आर्क कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, व्हिच इज द आर्क ओके ऑफ ए ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या है पता चला, हम पहला लेक्चर में डिस्कस कर रख दिया। अगर नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से कीजिए, देखिए आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। इज कॉल्ड स्पेरिकल ट्राइंगल ओके। व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल? बहुत ईजी, आई होप आप लोग समझ में आएगा। नाउ नोट क्या है? देखिए इन केस ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल के लिए हम कुछ नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, जो नोट्स आपको थियोरम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नंबर वन देखिए, इन स्पेरिकल ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होती है? 180 डिग्री प्लस स्पेरिकल एक्सेस। तो नाउ हम जानेंगे स्पेरिकल एक्सेस क्या होती है। तो स्पेरिकल एक्सेस देखिए बराबर सम ऑफ द थ्री एंगल मोर देन 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल ए बी सी होती है उसका वैल्यू क्या होती है? हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होती है। दैट इज हम लिखेंगे एंगल ऑफ ए बी प्लस सी व्हिच इज क्या है? ग्रेटर देन यानी कि लेस देन, यानी कि इसका बड़ा क्या है? 180 डिग्री ओके। नंबर टू क्या है देखिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। नंबर टू द आर्क ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज, ए बी का ऊपर आर्क हम लिखेंगे ओके। तो ये तो आपको स्पेरिकल ट्राइंगल यानी इसका इंपॉर्टेंस नोट। तो नाउ हम जानेंगे पोलर ट्राइंगल क्या होती है। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए पोलर ट्राइंगल, तो देखिए बहुत ही ईजी टॉपिक, जस्ट आपको ध्यान से देखना। तो ये टॉपिक समझाने के लिए फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा पोल क्या होती है। पोल क्या होती है देखिए, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या है? ग्रेट सर्कल पता चला, जो सर्कल पासेस रहा है सेंटर ऑफ द स्पेयर ओके, इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। तो यहाँ पर देखिए हम फिगर ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक हम स्पेरिकल ट्राइंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक स्पेरिकल ट्राइंगल ड्रॉ किया था। तो जब हम डेफिनेशन को लिखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल फॉर्म विथ पोल ऑफ द साइट ऑफ ए गिवेन ट्राइंगल एज इट्स एंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोलर ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू द गिवेन ट्राइंगल्स ओके। पोलर ट्राइंगल क्या होती है? ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं विद द पोल। पोल क्या होती है आप पता चला, यहाँ पे सेंटर ऑफ द पॉइंट का हर एक पॉइंट क्या है? इक्वी डिस्टेंस होना पड़ेगा, इक्वी डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट सर्कल। ये ग्रेट सर्कल का हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी आपको जो ट्राइंगल होगा वो पोल होगा ओके। तो व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ पोलर ट्राइंगल इन शॉर्ट फॉर्म? नाउ हम डायग्रामेटिक जब हम देखेंगे, लेट ए बी सी बी द स्पेरिकल ट्राइंगल, यहाँ पे हम लेट किया था ए बी सी जो होती है व्हिच इज द स्पेरिकल ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश सी डैश बी द पोल ऑफ द साइड, यहाँ पे साइड बी सी सी ए बी रेस्पेक्टिवली व्हिच आर द सेम साइड ऑफ बी सी सी ए बी ओके एंड ऑपोजिट पॉइंट क्या है? जो स्पेरिकल ट्राइंगल का पॉइंट होती है ए बी सी ओके। स्पेरिकल ट्राइंगल का पॉइंट क्या है? ए बी सी। देन द स्पेरिकल ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग, जब हम ज्वाइन करेंगे ए डैश बी डैश सी डैश बाय द आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्कल। इस यहाँ पे हमेशा याद रखना जो आर्क होती है व्हिच इज ग्रेट सर्कल का आर्क होती है, क्योंकि ग्रेट सर्कल पासेस हो रहा है, जो सर्कल पासेस हो रहा है सेंटर ऑफ द स्पेयर उसको हम कहते हैं ग्रेट सर्कल। एंड स्मॉल सर्कल क्या है? जो डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेयर व्हिच इज कॉल्ड स्मॉल सर्कल। तो सर्कल इज कॉल्ड पोलर ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी सी। तो आज छोटा सा वीडियो, तो आज वीडियो में हम यही तक एंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल एंड पोलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक है।